नरेंद्र मोदी कैबिनेट में चिराग पासवान को जगह मिल सकती है। नरेंद्र मोदी कैबिनेट की 3 जुलाई को बैठक होने वाली है। माना जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कैबिनेट में भारी फेरबदल की जाएगी, जिसके बाद ये चर्चा निकल के सामने आई है कि चिराग पासवान को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। चिराग पासवान को हाल ही में केंद्र सरकार ने जेड प्लस सिक्योरिटी की मुहैया कराई थी। चिराग पासवान का हमेशा से झुकाव नरेंद्र मोदी को लेकर रहा है। फिलहाल वो जमुई से सांसद हैं और बिहार की राजनीति में काफी एक्टिव रहते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार सहयोगियों को पूरा इम्पोर्टेंस देना चाह रही है। लीडरशिप चाह के गठबंधन सहयोगियों को एक बार फिर से साथ लिया जाए, उन्हें सत्ता में भागीदार बनाया जाए। इस मिशन के तहत चिराग पासवान को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। सिर्फ चिराग ही नहीं, महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना के भी किसी सांसद को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। साथ ही पार्टी संगठन में भी बदलाव की चर्चा की जा रही है। बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार सहयोगियों को पूरा इम्पोर्टेंस देना चाह रही है। लीडरशिप चाहता है कि गठबंधन सहयोगियों को एक बार फिर से साथ लिया जाए, उन्हें सत्ता में भागीदार बनाया जाए। इसी मिशन के तहत चिराग पासवान को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। सिर्फ चिराग ही नहीं, महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना के किसी भी सांसद को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। साथ ही बता दें कि पार्टी संगठन में भी बदलाव की चर्चा है। नरेंद्र मोदी कैबिनेट में चिराग पासवान को जगह मिल सकती है। नरेंद्र मोदी कैबिनेट की 3 जुलाई को बैठक होने वाली है। माना जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कैबिनेट में भारी फेरबदल किया जाएगा, जिसके बाद यह चर्चा निकलकर सामने आई है कि चिराग पासवान को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। चिराग पासवान हाल ही में केंद्र सरकार ने जेड प्लस सिक्योरिटी की मुहैया कराई है। चिराग पासवान को हमेशा से झुकाव नरेंद्र मोदी को लेकर काफी ज्यादा रहा है। फिलहाल वो जमुई से सांसद हैं और बिहार की राजनीति में काफी एक्टिव रहते हैं। बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार सहयोगियों को पूरा इम्पोर्टेंस देना चाह रही है, जिसके कारण गठबंधन सहयोगियों को एक बार फिर से साथ लिया जाएगा, उन्हें सत्ता में भागीदार बनाया जाएगा, जगह दी जाएगी। इसी मिशन के तहत चिराग पासवान को भी कैबिनेट में बड़ी जगह मिल सकती है। जी हां, बता दें कि चिराग पासवान लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो बिहार की राजनीति में भी काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। फिलहाल वो से सांसद हैं और ये भी बता दें कि उनका झुकाव नरेंद्र मोदी की तरफ ज्यादा रहता है, तो इस कारण 2024 के चुनाव को लेकर चिराग पासवान को मंत्रिमंडल में एक केंद्र के मंत्रिमंडल में बड़ी जगह मिल सकती है, जो नरेंद्र मोदी जिसको चिराग पासवान को देंगे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।